प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए डालने के लिए लाडली बहना योजना लागू की है। योजना की पहली किस्त डालने के बाद बैंकों में महिलाओं की आवाजाही बढ़ गई है। शहर की लगभग हर बैंक में रोजाना महिलाओं की लग रही कतारों से बैंक कर्मियों का काम तो बड़ा ही है, साथ ही आम नागरिकों को भी बैंकिंग कार्यों में परेशान होना पड़ रहा है। महिलाएं बैंक में बैंक खाता आधार से लिंक कराने या DBT एक्टिवेट कराने के लिए पहुंच रही है। इससे बैंकों में भी लाइन लग रही है। इसमें सबसे अधिक महिलाएं DBT एक्टिवेट कराने के लिए बैंकों में पहुंच रही है। विनय कुमार संघवी का कहना है, DBT का काम सुचारू रूप से चल रहा है। कोशिश रहती है कि जल्द ग्राहकों का काम हो, लेकिन कई बार ज्यादा भीड़ होने, कनेक्टिविटी न होने के कारण काम समय पर नहीं होता तो दूसरे दिन काम पूरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। मैं बैंक ऑफ इंडिया खरगोन SME ब्रांच से चीफ मैनेजर। हम लोग DBT का कार्य कंटिन्यू जब से शासन की योजना चालू हुई है तब से हमारे यहाँ से ये DBT का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और जिस दिन भी DBT के लिए कोई भी ग्राहक हमारे यहाँ आता है तो 1 या 2 दिन में उसका काम, हम DBT का काम कर देते हैं। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम सेम डे ही उसका काम कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा हमारे यहाँ कई बार जो है ये कनेक्टिविटी न होने के कारण या सिस्टम प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग नहीं भी कर पाते, लेकिन हम दूसरे दिन उसका DBT का पूरा काम हम लोग कर देते हैं। अभी हमारे यहाँ DBT के जितने भी फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, जितने भी कस्टमर हमारे पास DBT कराने के लिए आए हैं, उनके सभी के हम लोगों ने DBT हमारे लेवल पे हमारे सिस्टम में अपडेट कर दिए हैं। लेकिन कई बार अभी ये भी हो रहा है कि हमारे यहाँ सिस्टम पे तो अपडेट हो गए हैं, लेकिन उसको पोर्टल पे जो है नहीं शो नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा आ रही है। अब इसको पोर्टल पे शो नहीं हो रहा तो उसके लिए हमें भी समझ में नहीं आता है कि हम उसके लिए क्या करें, क्योंकि हमने हमारे सिस्टम में तो अपडेट कर दिया, लेकिन अगर पोर्टल पे भी शो नहीं हो रहा है तो यदि वो अगर कियोस्क सेंटर पे अगर वो जाता है पर्टिकुलर, तो वहाँ पे यदि वो अपना 100 रुपीस या तो डिपॉजिट कर दे या वहाँ से विड्रॉल कर ले, अगर वो वहाँ उसका वो ट्रांजेक्शन यदि सक्सेस हो जाता है एक ट्रांजेक्शन, तो ये मान के चले कि उसका DBT जो है वो कंप्लीट हो गया और उसको जो है शासन की योजना का लाभ तुरंत मिल जाएगा। लेकिन यदि वहाँ पे यदि उसका ट्रांजेक्शन यदि कंप्लीट नहीं हो रहा है या उसको निकालने में या जमा करने में कियोस्क सेंटर पे कोई भी समस्या आ रही है, कियोस्क सेंटर कोई भी हो सकता है, या तो बैंक ऑफ इंडिया का भी यूज़ कर सकता है, स्टेट बैंक का भी यूज़ कर सकता है, अदर बैंक का भी यूज़ कर सकता है। यदि वहाँ वो चीज़ उसका काम नहीं हो रहा है तो उसको बैंक में आना है और वह बैंक में वहाँ आके बताना है कि हमको कियोस्क सेंटर पे हमारा पैसा न जमा हो रहा है न निकल रहा है। तो उसके लिए बैंक उसका जो है DBT फिर से वो जो पहले वाला है उसको कैंसिल करेगी और फिर से नया उसको अपडेट कर देगी। तो नया अपडेट करने के बाद फिर उसको 1 या 2 दिन बाद फिर कियोस्क सेंटर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कम से कम 24 घंटे 48 घंटे का समय लगता है। वो समय लगने के बाद यदि फिर वहाँ से कियोस्क सेंटर से जाके पता करेगा कि उसका डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेमेंट निकल रहा है या जमा नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है, अगर वहाँ फिर भी नहीं हो रहा है फिर उसको ब्रांच में एक बार आना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आने की उसको मेरे ख्याल से शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका हो ही जाएगा, काम ही हो जाएगा। और उसको जो ये ब्रांच में यदि बैंक में या और कहीं वो भटक रहा है ग्राहक, तो उसको इधर उधर जाने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सिंपल सा थ्योरी है जिससे वो अपना काम आसानी से कर सकता है। और इसकी वजह से बैंकों में जो है जो भीड़ आ रही है, जिनका DBT हो गया है वो लोग भी आ रहे हैं और जिनका नहीं हुआ है वो भी आ रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि जिनका DBT हो गया उनको बैंक में आने की जरूरत नहीं है, जल्दी बैंक वाले भी कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया भी गवर्नमेंट शासन के द्वारा चालू की गई है, तो उसके कारण भी जो है हमारे बैंकों में जो सरकारी बैंक जितनी हैं वहाँ पे जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है वर्कलोड हमारा बढ़ गया है, उसके कारण भी थोड़ी ग्राहकों को भी असुविधा हो रही है और जो हमारे कर्मचारी हैं वो उनको भी असुविधा हो रही है। तो इस असुविधा के बचने के लिए सबसे जो है समाधान इसका यही है कि आप कियोस्क सेंटर पे जाएं और एक बार खाता अपना वहाँ चेक करें, अपडेट करवाएं, और उसके बाद यदि शाखा में आए, शाखा में अगर मान लो कोई कर्मचारी आपका काम नहीं कर पा रहा है, आप शाखा प्रबंधक से मिलें और अपना काम तुरंत करवाएं। मेरा नाम विनय कुमार संघवी, चीफ मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।